वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को जनपद के विकास कार्यों की क्रमवार समीक्षा की। मुख्य सचिव ने 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की स्वीकृति, लंबित नई परियोजनाओं, पूरी हो चुकी परियोजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक संसाधन की उपलब्धता तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं धनराशि अवमुक्त करने की अद्यतन स्थिति एवं प्रगति की जानकारी ली। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं से भी आवंटित धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र समय से उपलब्ध कराने को कहा, ताकि अवशेष धनराशि को शीघ्र अवमुक्त किया जा सके। मंडलायुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मुझे बताया गया था कि उसमें जीडीए की एनओसी आनी है। मुख्यालय से खाता नंबर मांगा है सर, वो जीडीए से ये एनओसी भी जाएगी। सर जीडीए का वीसी नहीं है सर, उनको मैंने बता दिया सर, वो एनओसी आदि इश्यू हो जाएगा। नमस्कार सर, मैं वीसी जीडीए बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स में बात हुई।